हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यूट्यूब में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हट के है कि जैसे जो भी फ्रेंड जो बाइक जो स्मोक देती है और उसका जो प्लग बार बार शॉर्ट होता है, तो हमें प्लग बार बार लगवाना पड़ता है और प्लग पड़ता है, तो उसी का टिप लेकर आए हैं फ्रेंड कि अगर आपके भी साथ भी अगर ऐसा है और आपका भी प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा है, बाइक आपका स्मोक दे रही है, अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो तब तक के लिए फ्रेंड ये जो प्लग होता है, ये प्लग मेरे पास है, तो इस प्लग को जो है कि आप ये खराब हुआ प्लग है, तो इस प्लग को आप क्या करेंगे कि जो गैस होता है, जो गैस का चूल्हा होता है, तो गैस के चूल्हे पे आप इसको इस तरह रख के जो है कि हीट करके, और हीट करने के बाद जो है कि 5-10 मिनट तक जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर फ्रेंड जो एक जो कार्बन भर जाता है, जो बाइक हमारी स्मोक देती है इसके अंदर पूरा कार्बन भर जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पेट्रोल पूरी तरह से जल नहीं पाता है, इसके लिए हमारी बाइक जो है कि स्टार्ट नहीं लेती है। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड, आपको जो मैं बताया हूँ देंगे मैं आपको दिखाता हूँ करके, और इसी तरह आप भी कर लेंगे तो आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी, आपको जो है कि प्लग बदलने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं अगर गांव देहात में अगर हैं तो वहाँ पे मैकेनिक भी नहीं मिलते हैं, और बाइक जो है कि आपका जब स्टार्ट करते हैं तो आपके जो प्लग है वो प्लग आपका शॉर्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में प्लग पाना जो है कंपनी हर बाइक में लगा के देती है, तो उस प्लग पाना से आपको जो है कि प्लग को खोल लेना है, और खोल के जो है कि आप जो चूल्हा है सिलेंडर का उसको उस पर 10-5 मिनट के लिए रख देंगे, और उसको जो एक जो तार आता है अच्छे से, जो इसका पॉइंट होता है बीच वाला, इस पॉइंट को थोड़ा सा साफ कर देंगे। साफ करने के बाद जो बाइक में पेट्रोल रहता है उसे पेट्रोल से उसको हल्का सा वॉश करके, और फिर उसको प्लग को आप आराम से टाइट करेंगे, तो टाइट करने के बाद फिर आप चालू करेंगे तो बाइक जो है कि आपका स्टार्ट ले लेगी। तो चलिए फ्रेंड आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ जो है कि मैं पहले इस्तेमाल कर लेता हूँ फ्रेंड, तब फिर आपको जो है कि दिखाता हूँ, ताकि जो भी हम बताएं आपको और सही जानकारी दे। फाइनली हम आ गए हैं अपने सिलेंडर के पास, और इस प्लग को जो है कि हम हीट करेंगे। ये जब तक हीट करेंगे फ्रेंड, तब तक इसका जो है कि अंदर का कार्बन जल ना जाए, तब तक इसको गर्म करना है। तो आप भी इसको गर्म करके, और जो प्लग आपके पास रहता है जो बदल दिया जाता है प्लग, तो उस प्लग को आप फेंके नहीं, उस प्लग को लेके आप जो है कि रख लें, और इसी तरह जब तक आपकी बाइक रिपेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक इसी तरह आप काम चलाते रहेंगे, और बाइक आपकी स्टार्ट होती रहेगी, और कहीं बीच रास्ते में धोखा नहीं होगा। तो फ्रेंड यही हमारा वीडियो का टॉपिक है, और इसको हम पूरा हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो है कि इसको अच्छी तरीके से, जो तार आता है चाहे कोई भी आप तार ले लेंगे, तो उस तरीके से आप इसको थोड़ा सा आप साफ़ कर देंगे बारीकी से, और साफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा ठोक देंगे, तो हमारा जो पूरा कार्बन है, एक कार्बन अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड आप भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि ये जो काम होता है सिर्फ मैकेनिक ही कर सकते हैं, ऐसा काम आप लोग भी जुगाड़ से आप काम करके और बाइक को जो है अपने चला सकते हैं। तो फ्रेंड इसको हम साफ करेंगे, और जो हमारा दो प्लग है वो हीट हो रहा है, तो इसी तरह एक एक करके आप साफ करते रहेंगे, और जो अपना हीट हो रहा है प्लग उस पर, तो उसको भी हीट होने दें। तो यानी कि जो इसका पॉइंट होता है फ्रेंड, इस पॉइंट को आप छेड़े नहीं, खाली बस यहाँ से आप खाली इसको साफ करना है, और जो पीछे का वार्सल है उस वार्सल को आप जो है दबा के थोड़ा सा, जो चूड़ी पे भी कार्बन आ जाता है तो उसको भी साफ करके लगाएंगे, तो आपका जो इंजन का जो चूड़ी है वो ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड आपने देखा जैसे मैं हीट किया प्लग को चूल्हे पर लगा के, तो उसी तरह आप भी उसको लगा के उस पर 10-5 मिनट के लिए अगर उस पर छोड़ देंगे आप, अगर गैस का चूल्हा अगर नहीं है तो कहीं जो आग भरगा तो लकड़ी का आग जला के जो है कि अगर उस पर भी अगर रख देंगे आप, तो उसको क्या होता है कि ये जो प्लग होता है इसको हीट होना चाहिए पूरा। इसमें क्या होता है, काफ़ी दिन से रेस्ट जमा होते होते जो इसके अंदर का जो पिन रहता है ये पूरा भर जाता है कचड़े से, तो इसके लिए हमारी बाइक जो है कि वो स्टार्ट नहीं लेती है, और अक्सर ये प्रॉब्लम जो है कि जो बाइक स्मोक देती है उसी बाइक में समस्या लेकर आती है। तो जैसे आप इसको अगर रख देंगे आग में, तो ये क्या होगा कि जो अंदर का कचरा रहता है जमा, वो धीरे धीरे वो जल जाएगा, और जलने के बाद जो है इसको आप इसको ठोक देंगे, उसके बाद जो है कि इसको थोड़ा सा साफ करके और बाइक में आप लगाएंगे तो बाइक आपकी 100% स्टार्ट हो जाएगी। अगर पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।